ब्रह्मांड क्या है, ये कहां से आया और ये कैसे काम करता है? ये ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को हमेशा से ही परेशान करते आ रहे हैं। समय समय पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाते रहते हैं और ब्रह्मांड के बारे में नई नई थ्योरीज देते रहते हैं। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशन को मानते हैं, मल्टी डायमेंशंस को मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है, और ये सब खोजें वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ 100 सालों में ही की हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है उतना ही आधुनिक इसका विज्ञान है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में वो चीजें पहले ही बताई जा चुकी हैं जिन्हें विज्ञान आज मान रहा है। हम प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उन बातों को केवल मिथोलॉजी की कहानी मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे ग्रंथों में बताई गई बातों में इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। जिन रहस्यों से आज विज्ञान पर्दा उठा रहा है उन रहस्यों को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले ही सुलझा लिया गया है। पिछले कुछ दशकों से स्ट्रिंग थ्योरी बहुत ही प्रचलित हो रही है। स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड की 11 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सनातन धर्म में ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस का जिक्र किया जाता है। डायमेंशन वाला ये कॉन्सेप्ट विज्ञान के लिए भले ही नया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले ही जिक्र किया जा चुका था। आज विज्ञान के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सनातन धर्म से मेल खाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरीज शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आप अपनी संस्कृति पर गर्व करोगे। क्या आप जानते हो कि पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कब दी गई थी? दरअसल पहली बार साल 1954 में ह्यूग एवरेस्ट नाम के एक प्रोफेसर ने दुनिया को बताया कि हमारी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है। ये अलग अलग दुनियाएं भले ही हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये एक साथ रहती हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इस थ्योरी को दिए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि हिंदू लेखकों ने हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी थी तो आपका क्या मानना होगा? अगर आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो एक बार इस कहानी को सुनिए। ये कहानी रामायण से है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए कई दशक बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कई सालों तक राज किया और चारों ओर राम राज्य की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने राम यानी कि एक इंसान के रूप में धरती पर अवतार लिया था। अब बिल्कुल एक आम इंसान की तरह उन्हें अपने जीवन को समाप्त कर वैकुंठ की ओर निकलना था, लेकिन वो ये बात जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। श्री राम जी को बचाने के लिए वो खुद यमराज तक से लड़ सकते थे। हनुमान जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी था कि वो इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश के बराबर हैं, और असल में दुनिया की चीजें कभी खत्म नहीं होती बल्कि वो एक साइकिल में घूमती रहती हैं। इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए श्री राम जी ने एक बहुत ही चतुर लीला का प्लान बनाया। उन्होंने जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसके अंदर अपनी अंगूठी फेंक दी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने हनुमान जी से अंगूठी को निकालने के लिए कहा। हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार के अंदर घुस गए। वो धरातल में और ज्यादा नीचे जाने लगे और अंत में वो धरती के सबसे निचले भाग में पहुंच गए और उन्हें वहां पर नागलोक के देवता वासुकी जी मिले। हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहां पर नीचे गिरी है, क्या आपने कहीं देखी है? ये सुनकर वासुकी का सबसे पहला सवाल था, आप कौन से वाले राम भगवान की बात कर रहे हो? हनुमान जी ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए और इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाते वासुकी जी ने दूर बड़े से पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा कि आपको वहाँ पर आपके श्री राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। ये सुनते ही हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की ओर जाने लगे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से बना हुआ था, वही अंगूठियाँ जो श्री राम की थी। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वो सोचने लगे कि श्री राम की तो केवल एक ही अंगूठी नीचे गिरी थी, फिर ये अंगूठियों का पहाड़ यहाँ कैसे आ गया? उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से पूछा कि इन सभी अंगूठियों में से आखिर श्री राम की अंगूठी कौन सी है। तब वासुकी जी ने आखिरकार हनुमान जी को सच बताया। उन्होंने कहा कि हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार बनाकर अपनी अंगूठी यहाँ पाताल लोक में फेंक देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपके प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं हैं, बल्कि बिल्कुल इसी काल की तरह दूसरी दुनिया में भी प्रभु श्री राम बिल्कुल ऐसी ही लीला रच रहे हैं। ये कहानी एक तरह से मनुष्यों द्वारा बताए गए पैरेलल यूनिवर्स को कंफर्म कर देती है।
केवल भगवान राम ही नहीं थे जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को दिखाने की एक लीला रची थी। श्री कृष्णा की भी एक ऐसी ही कहानी बहुत प्रचलित है जिसमें मल्टीवर्स की बात की गई है। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आ पहुँचे। श्री कृष्ण के महल के सामने कुछ द्वारपाल खड़े थे। ब्रह्मा उन द्वारपालों से कहते हैं कि जाकर कृष्णा से कहें कि उनसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि आपसे मिलने ब्रह्मदेव आए हैं। इस पर श्री कृष्णा ने द्वारपाल से कहा कि सबसे पहले आप उनसे पूछकर आइए कि वो कौन से वाले ब्रह्मा हैं। द्वारपाल एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास गया और उनसे पूछा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। ये सुनकर ब्रह्मा बहुत चकित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये सवाल मुझसे पूछा भी कैसे जा सकता है। वो कहते हैं कि मैं चार सिर वाला ब्रह्मा हूँ जिसने पूरी दुनिया की रचना की है। द्वारपाल ये बात श्री कृष्ण से बोलता है तो इस पर कृष्णा बोलते हैं कि ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। अब जैसे ही भगवान ब्रह्मा अंदर आते हैं तो उनका पहला सवाल श्री कृष्णा से यही होता है कि आखिर आपने द्वारपाल से मुझे ये पूछने को क्यों कहा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ? क्या मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है? कृष्णा ने ब्रह्मा के इन सवालों का जवाब देते हुए एक दिव्य दृष्टि दिखाई जिसमें उन्हीं की तरह कई सारे ब्रह्मा थे। श्री कृष्णा को देखकर उन सभी ब्रह्माओं ने अपने अपने सर आदर से झुका दिए। ये देखकर चार सिर वाले ब्रह्मा परेशान हो गए। उन्हें समझाते हुए श्री कृष्णा ने कहा कि मैं अनगिनत ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड के पास अपना एक ब्रह्मा है। अब ये कहानी भी बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को समझाती है जहाँ एक साथ बहुत सारी दुनियाएं एग्जिस्ट करती हैं। अब पैरेलल यूनिवर्स की बहुत बात हो गई। हमारे हिंदू पुराणों में एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे कहानी के द्वारा समझाया गया है। ये कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे हॉलीवुड की इंटरस्टेलर नाम की मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस मूवी में कुछ एस्ट्रोनॉट्स धरती से स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं ताकि वो एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ पाएं जिस पर इंसान रह सकें। वो एक बड़े से ब्लैक होल के पास मौजूद प्लैनेट मिलर पर पहुंचते हैं। उन्हें जानकारी मिली हुई थी कि इस प्लैनेट पर इंसानों के रहने लायक परफेक्ट वातावरण हो सकता है, लेकिन परेशानी ये है कि इस प्लैनेट पर गुजारा गया एक घंटा पृथ्वी पर गुजारे गए 7 साल के बराबर है। इसका कारण ये था कि मिलर प्लैनेट ब्लैक होल के बहुत ही करीब था। इस वजह से ब्लैक होल की ग्रेविटी सीधा उस प्लैनेट के समय को अफेक्ट कर रही थी, जिस वजह से प्लैनेट पर वक्त बहुत ही स्लो चल रहा था। अब एस्ट्रोनॉट्स उस प्लैनेट पर जाते हैं और जल्द से जल्द वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो वहां से निकलने में कुछ घंटे लेट हो जाते हैं। जब वो अपने स्पेसशिप में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भले ही उन्हें गए हुए सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे, लेकिन तब तक धरती पर 23 साल बीत चुके थे। इस मूवी में टाइम डायलेशन का ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। असल में विज्ञान की माने तो ग्रेविटी समय को प्रभावित करती है। जिस जगह पर ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ समय की रफ्तार धीमी हो जाती है, और जहाँ ग्रेविटी बहुत कम होती है वहाँ समय बहुत ही तेज गति से दौड़ता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है। ब्रह्मांड में कहीं पर समय धीमी गति से चल रहा है तो कहीं पर समय की रफ्तार बहुत ही तेज है। अब अगर हिंदू पुराणों की माने तो उसमें एक प्रचलित कहानी है जिसमें कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। राजा ककुद्मी एक समय में बहुत ही ताकतवर राजा माने जाते थे। उन्हें अपनी बेटी रेवती से बहुत ही ज्यादा लगाव था। जब रेवती की शादी की उम्र हो गई तब राजा ककुद्मी बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें डर था कि इस टाइमलाइन में रेवती के लिए शायद एक अच्छा पति उन्हें कभी नहीं मिल पाएगा। इसी परेशानी को सुलझाने के लिए वो रेवती को लेकर ब्रह्मा भगवान के पास ब्रह्मलोक में गए। राजा ने अपनी ये परेशानी ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप जिस धरती से अभी आए हो वहाँ पर आपकी जान पहचान वाला अब कोई नहीं रहा, क्योंकि जितना समय आपने ब्रह्मलोक में गुजारा है उतने ही समय में धरती पर 1000 साल बीत चुके हैं। रेवती और राजा भगवान ब्रह्मा की इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हर लोक में समय की रफ्तार अलग अलग है। जब तक रेवती और राजा ब्रह्मलोक में थे तब तक धरती पर 27 चतुर्युग खत्म हो चुके थे। 27 चतुर्युग यानी कि करीब 113 मिलियन साल। अब जाहिर सी बात है कि इतने समय बाद ना ही रेवती का परिवार वहां रहा था और ना ही राजा का राज्य। भगवान ब्रह्मा उन्हें सुझाव देते हैं कि आप जल्द ही धरती पर जाओ और वहां श्री कृष्ण के भाई बलराम से रेवती की शादी करवा दो। अगर आप कुछ क्षण और ब्रह्मलोक में रुकते हो तो धरती का ये समय भी बहुत तेजी से गुजर जाएगा।
ये कहानी सीधे तरीके से टाइम डायलेशन की थ्योरी को प्रूव करती है, वही टाइम डायलेशन जिसके बारे में पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को बताया था। दोस्तों, ये कोई साइंस वर्सेस रिलीजन की बहस नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप ये जान पाओ कि हमारा हिंदू धर्म कितना प्राचीन और साइंटिफिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।